नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल अभी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। एक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता बिहार और यूपी से होकर के जाता है। नीतीश और लालू यादव के गठबंधन के बाद अब ये माना जा रहा है कि बिहार झारखंड में दोनों मजबूत घेराबंदी करने की तैयारी में है। बिहार में झारखंड में लोकसभा की कुल 54 सीटें हैं, जहां आरजेडी, जेडीयू और जेएमएम सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल हैं, सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। और वहीं 80 सीटों वाली यूपी को लेकर के अभी हालांकि सस्पेंस बरकरार है। यहाँ और बहुत सारे मसले हैं। यूपी में भाजपा के खिलाफ अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में गठबंधन बनाया था, हालांकि उस गठबंधन में कांग्रेस और बसपा जैसी बड़ी पार्टी बाहर थी। ऐसे में 2024 में यहाँ गठबंधन का क्या सीन होगा, इस पे अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन बिहार में भाजपा को सत्ता से दूर करने के लिए नीतीश कुमार मिशन 2024 पे जुट गए हैं, दिल्ली पहुंचे हुए हैं और आज इसी कड़ी में उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की है। कल भी उन्होंने मुलाकात की थी, 3 दिन का उनका दौरा है। अभी तक वो ओम प्रकाश चौटाला, नवीन पटनायक, के चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल, जगमोहन रेड्डी, एच डी कुमार स्वामी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी आदि से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट वाली और ओडिशा के सीएम बीजू जनता दल के नेताओं से भी माना जा रहा है कि वो जल्दी ही उनसे मिलेंगे। राजनीतिक गलियारों में नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर के कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो दिख रहा है वो ये है कि वो एकजुट करने के तैयारी में है, विपक्ष को एक बैनर के नीचे लाने की तैयारी है उनकी। बिहार में भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद से ही नीतीश लगातार विपक्षी नेताओं के संपर्क में है। अगर नीतीश अपने प्रयास में सफल रहे, अगर अगर नीतीश अपने प्रयास में सफल रहे तो 2024 के चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के साथ सभी क्षेत्रीय पार्टियां साथ आ सकती हैं। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश महागठबंधन बनाने की दिशा में कोशिशें कर रहे थे, तब भी उन्होंने ऐसा ही एक औरा सा क्रिएट कर लिया था, एक सीन क्रिएट कर लिया था। 2015 में भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन तब वो सफल नहीं हो पाए थे। और अब वो कितना सफल हो पाएंगे ये हम बाद में देखते हैं, लेकिन फिलहाल जो वो लोगों से मिल रहे हैं, एक विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कितना असर होगा ये हम देखते हैं। नीतीश का जो दिल्ली दौरा है, अगर आप मान लीजिए अगर वो सफल रहा और सभी दल एकजुट हो गए, हालांकि सभी दलों का एकजुट होना बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी अगर वो एकजुट हो गए तो आगामी चुनाव सभा में 500 से ज्यादा सीटों पर भाजपा से वो एकदम सीधे लड़ेंगे। जिन दलों से नीतीश कांटेक्ट कर रहे हैं वे सभी दल दक्षिण से लेकर के उत्तर भारत तक काफी प्रभावी हैं, इम्पैक्टफुल हैं। अच्छा, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है। देश के रूरल एरियाज में लोकसभा की कुल 353 सीटें हैं, जिसमें 2019 में भाजपा को 207 सीटें मिली थी और वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 126 सीटें गई थी। अब नीतीश और गठबंधन का पूरा फोकस इन रूरल एरियाज पे है, जहां पर 2014 और 2009 के मुकाबले भाजपा कमजोर थी। 2009 में भाजपा को रूरल एरिया में केवल 77 सीटों की जीत मिली थी, जो 2014 में बढ़कर के 190 और 2019 में 207 पे पहुंच गई थी। वहीं सेमी अर्बन की अगर हम बात करते हैं तो 2009 में भाजपा को 20 सीटें मिली थी,
जबकि 2014 में ये बढ़कर के 53 हो गई थी और 2019 में ये 58 तक पहुंच गई थी। ये कहना चाहिए कि भाजपा के पास उस समय 2009 में 20 सीटें थी, 14 में और 19 में बढ़कर 40-40 सीटों पे पहुंच गया था। तो इस तरीके से ये जो बढ़त है, ये जो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, वो इस पे काम कर रहे हैं। हालांकि सबसे पहली बात ये है कि जिन लोगों को वो साथ लेके चलना चाह रहे हैं, वो साथ आते हैं या नहीं आते हैं, इस पे भी देखने वाली बात है। फिलहाल वो सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस जो है वो रूरल एरिया पे है, और उसके बाद वो अर्बन जो उच्च शहरी एरिया है उस पे फोकस करेंगे। यहाँ पर 2009 में भाजपा के पास उच्च शहरी एरिया की बात करें तो 20 सीटें थी, जो 2014 और 19 में बढ़ करके 40-40 सीटों तक हो गई थी। तो नीतीश एक स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं, हालांकि कभी कभी ये लगता है कि वो कितने दिन के सीएम है ये भी पता नहीं है, लेकिन वो एकजुटता से सोच रहे हैं, लोगों को विपक्ष का एक कुछ भी नहीं है तो एक सॉलिड विपक्ष बनाना चाह रहे हैं। और ये तो मैंने आपको बताया ही है कि दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से होकर के आता है, तो उसी स्ट्रेटजी पे नीतीश काम कर रहे हैं। ये जो मैंने आपसे एक छोटी सी कहना चाहिए एनालिसिस जो आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये सब भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बातें हैं, केवल एक आइडिया है कि ऐसे हो सकता है, क्योंकि वो उनका 3 दिन का दौरा जो है केवल और केवल इसी पे फोकस है। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, हर बार मैं कहती हूँ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। फिलहाल मैं आपसे सब्सक्रिप्शन की सपोर्ट मांग रही हूँ, जो ये शो करता है कि आप मेरे पे भरोसा करते हैं, मेरे कंटेंट को प्यार करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबाने में आपका कुछ नहीं जाता, आप सब्सक्राइब करेंगे वो भी सब कुछ फ्री है। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।